पता है जानकी, जब मैं छोटा था तो मेरी स्कूल में बहुत खिंचाई होती थी। मैं रोज रोता रोता घर पे आता था। पापा समझ जाते थे और मेरा ध्यान बटाने के लिए मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे या बाहर कहीं भी घुमाने ले जाते थे। जब मैं कॉलेज में गया तो वहां भी यही होता था। पर तब तक मैं इतना बड़ा हो गया था कि सारी बातें अपने मन में रखता था, किसी के साथ कुछ नहीं बांटता था। पापा के साथ भी वो हर तरीका अपना देते थे कि मेरे मुंह से निकलवा देंगे क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है, पर मैं बताता ही नहीं था। कई बार तो उन पे गुस्सा निकाल देता था मैं, उनकी हर बात को नजरअंदाज कर देता था। मेरे पैरों में दर्द होता था तो वो मेरे पैर दबाते रहते थे सारी रात। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन मुझे दिख रहा था कि उनके पैरों में दर्द है, वो खुद के ही पैर दबा रहे थे, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैंने ऐसी कोशिश नहीं की मैं उनके पास जाके बैठ सकूं। मुझे शर्म आती थी उनके पास बैठने में, मुझे शर्म आती थी। सिर्फ एक तस्वीर है मेरी उनके साथ, उस फैमिली फोटो में भी हम दोनों अलग अलग खड़े हुए। मैं फोटो के एक तरफ कॉलेज का लड़का घमंडी और वो दूसरी तरफ बूढ़े से कुर्सी पे बैठे हुए। उस दिन अगर कोशिश करता, अगर हिम्मत करता उनके पास जाके, उनके पैरों के पास बैठने की, तो शायद